जनाब स्पीकर साहब, आज के दिन के हवाले से यकीनी तौर पे दुनिया पे बहुत सारी चीज़ें बहुत वाज़े हुई हैं कि जिस जमहूरियत के नाम पे भारत बार बार दुनिया को ये एक तासुर देना चाहता है कि वो एक आम इंसान की जो एक ज़िंदगी है भारत के अंदर, एक बड़ी मीडियोकर जो एक सियासत का हमेशा उन्होंने नारा लगाया है, लेकिन इन एक साल के अंदर वो ममालिक जो शायद कभी इस चीज़ को भरोसा नहीं करते थे, आज वो ममालिक भी मजबूर हुए हैं। और हमने कभी माजी में शायद BBC, CNN, अल जज़ीरा और इस तरह के बड़े बड़े चैनल्स को कश्मीर के हवाले से बहुत ओपन तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हुए भारत को नहीं देखा है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इन एक सालों में हमने ये चीज़ को महसूस भी किया है। और इस जद्दोजहद को जिसमें हम सब शामिल हैं, सारे कश्मीरी शामिल हैं, दुनिया के हर वो शख्स शामिल है जो ये महसूस करता है कि उस इलाके के लोग जिस आज़ादी के साथ, जिस आज़ादाना माहौल के साथ अपने इलाके में एक जहन रख के चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, उसकी नफ़ी जहाँ भी होगी वहाँ पे वो लोग उसका साथ देंगे। और पाकिस्तान में इससे बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, पाकिस्तान में ख़ासकर हमारे सियासी जमातों ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और कश्मीर की मैं यकीनी तौर पे ज़ेरत साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि हमें इस जद्दोजहद में यकीनी तौर पे लफाजियत में, हमेशा तकारीर में इस चीज़ों को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि हमने अमली तौर पे एक रियासत के हवाले से, एक सिस्टम के हवाले से इन चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाना है और इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी ले जाना है। और मैं समझूँगा कि सारी हुकूमतों ने अपनी कोशिश ज़रूर की होगी, और ये अलग बात है कि कुछ हुकूमतें ऐसी भी माजी में रही हैं जिन्होंने वफाकी सतह पे कभी ट्रेड के नाम से, कभी अच्छे ताल्लुकात के हवाले से, कभी किसी और ममालिक के एक रोल के हवाले से भारत और पाकिस्तान में कोशिश की गई कि एक ताल्लुकात ऐसे हों ताकि कश्मीर का मसला हमेशा पीछे की तरफ चला जाए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इकदाम था जो इमरान खान साहब ने लिया। UN के अंदर मेरा ख़्याल ये मैं कह सकता हूँ कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में और UN जो असेंबली हुई थी उसके अंदर जिस भरपूर अंदाज में कश्मीर का मौक़फ इस दफ़ा पेश किया गया, शायद ही एक लीडरशिप के हवाले से बहुत कम ऐसे लीडर पाकिस्तान में गुजरे होंगे जिन्होंने एक बड़े खुले अंदाज में कश्मीर का मौक़फ पेश किया और भारत को एक क्रिटिसाइज़ करते हुए हकायक का सामना कराना पड़ा पूरी दुनिया के साथ। और उसकी मिसाल मैं इसलिए वजह दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुले अंदाज में अपनी तकरीर भी करते हैं, अमूमन लिखी हुई तकरीर में आदमी बहुत बहुत कुछ कह लेता है, उसमें जज्बात के साथ भी ताल्लुक बड़ा कम होता है, लेकिन बग़ैर पढ़े एक खुले अंदाज में जब आप तकरीर दुनिया के सारे लीडरशिप के सामने करते हैं तो यकीनी तौर पे वो आपके जज्बात अंदर से और बड़े फर्म अंदाज में निकलते हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट और हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के जितने भी थे पूरी दुनिया में, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि, और ये वो बैकिंग थी शायद सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स फेडरल में, प्रोविंशियल लेवल पर हम सब ने इस बात को सेकेंड किया कि यही वो मौक़िफ़ है जिसको हमेशा जब भी हम आगे रखेंगे तो कश्मीर के हवाले से चीज़ों को सीरियस देखा जाएगा। और जब लीडरशिप ही किसी मामले को कमज़ोर अंदाज में आगे ले जाएगी तो फिर दुनिया भी उसको बड़े इजी वे में एड्रेस करती है और उसको सीरियस नहीं रहती। और यकीनी तौर पे कल का जो एक स्टेप है जो जिसमें सारे पाकिस्तान के बड़े बड़ी पार्टियां भी शामिल थीं, जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के अराकीन भी फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठे, फिर असेंबली का कैबिनेट ने जिस पॉलिटिकल मैप की जो मंजूरी दी गई है वो इस बात, हालांकि उसकी तफसीलात अगर उस मैप को थोड़ा सा करीब से देखा जाए, डिटेल में देखा जाए, उनमें बहुत सारी चीज़ों को अभी भी उसी तरह वाजे रखा है जिसमें ऑक्यूपेशन या बाकी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल हमेशा से उठता था क्योंकि मैंने भी देखा है, आपने अगर दुनिया के बहुत सारे पाकिस्तान का नाम लिख के और ये लिखें मैप दुनिया में, अगर आप सर्च करें तो बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन्स हैं जो पाकिस्तान के मैप में पूरे कश्मीर को बाहर निकाल देते हैं, यानी यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर भी उसमें नहीं है, श्रीनगर, बाकी सारा और
तकरीबन वो पूरा हिस्सा, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी ममालिक हैं या सर्च इंजन हैं जो गिलगित बल्तिस्तान को भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल अपने इस नए नक्शे को जब पाकिस्तान पेश करेगी यूनाइटेड नेशन में, तो ये एक लेजिटिमेट तरीके से अपना केस पाकिस्तान आगे फॉरवर्ड करेगा कि आइंदा जब भी आप चीज़ों को अगर पाकिस्तान के हवाले से एड्रेस करें तो ये वो एक फ़ाइनल तरीक़ेकार है, एक नक्शा है जिसको दुनिया एक्सेप्ट करे हर हवाले के साथ। और ये एक अच्छी एक स्टेप है, एक बड़ा बोल्ड स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मामलात में, कश्मीर के मामलात में, अब ये वक्त आ चुका है कि दुनिया, अब लोग ममालिक अपने फैसले तकरीबन एक अपने अंदाज में खुद कर रहे हैं। आज चीन को जहाँ महसूस होता है कि उसके बॉर्डर के साथ नाजायज़ हो रहा है, तो वो अपनी चीज़ों को हवाले से भारत के साथ एक बड़े स्ट्रॉन्ग वेग में सामने आता है। इसी तरह आप म्यांमार की तरफ चले जाएं, इसी तरह आप गल्फ़ ममालिक की तरफ चले जाएं, यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप में भी, जहाँ वो महसूस करते हैं कि उनके मुल्क के सेल्फ इंटरेस्ट और उनकी सिक्योरिटी और उनके लोगों के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है, आजकल दुनिया में सारे ममालिक अपने फैसले खुद अपने हाथों में आस्ते आस्ते ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इररेलीवेंट होती जा रही हैं। शायद ये ग्लोबलाइजेशन का एक नया दौर है जिसको हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड में अभी देख रहे हैं। और आने वाले वक्तों में जब ये इक्तिसादी मामलात इस दुनिया में थोड़े और तंगी की तरफ जाएंगे, तो हम शायद 6-8 महीने बाद चीज़ों को थोड़ा और मुख्तलिफ भी देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें मुल्की सतह पर अपनी चीज़ों के हुकूक़ के हवाले से पाकिस्तान को हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ हर लिहाज से बुलंद करनी चाहिए, ताकि हम अपना एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखें कि चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर से यकीनी तौर पे बातचीत का सिलसिला हर हवाले से हमेशा दुनिया में रहा है। चीज़ें जब भी आई हैं वो टेबल पे बात हुई हैं, जिस तरह खालिक अज़ारा साहब ने भी बात की, ज़मरो ख़ान साहब ने बात की, बाकी मेम्बरान ने भी की। लेकिन आपकी स्टैंडिंग जब स्ट्रॉन्ग होगी तब टेबल पे आपके साथ कोई सीरियस बात करेगा। लेकिन अगर आपकी अपनी स्टैंडिंग बड़ी वीक हो, फिर लोग टेबल पे क्या, मेरे ख्याल किसी नेगोशिएशन में भी बात नहीं करते। तो यकीनी तौर पे हम बलूचिस्तान के लोग आज के हवाले से एक बड़ा सपोर्टिव पैगाम कश्मीरी भाइयों को, उनके लोगों को जिन्होंने जद्दोजहद की है, जो कर भी रहे हैं, हमारा ये पैगाम उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और उनके जो जज्बात हैं, यकीनी तौर पर जब वो ये सुनेंगे कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के पार्लियामेंट के लोगों ने भी आज इस यौम इस्तेसाल के हवाले से बड़े अच्छे जज्बात के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया है हमारे लिए और मोदी सरकार के लिए, तो हम एक छोटी सी अपनी जो शिरकत है इसमें शरीक हो के हम उनके लिए एक राह को और मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा एक मुसलमान होने की तरफ से एक हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, एक पाकिस्तानी होने के लिहाज से हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, और इंसानियत के हवाले से जिन दहशत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने आप को उनके साथ किसी न किसी हवाले से शरीक कर रहे हैं। मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ कि हमने बड़े एक शॉर्ट फोरम पे, शॉर्ट नोटिस पे, और पूरे मैं अपोजिशन का भी बड़ा मशकूर हूँ कि हम सब ने मिल के इस रेजोल्यूशन को जो टेबल किया है, ये हमारी तरफ से, हमारी असम्बली की तरफ से, बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से, बलूचिस्तान की सारी पार्टीज़ की तरफ से एक बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा और ख़ासकर कश्मीरियों के लिए जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।